तो सुखना लेक तो हम घूम चुके हैं, अब हमारा प्लान बन रहा है कि हम रॉक गार्डन की तरफ जाएंगे। फिर लाइफ जैकेट पहने जा रही है ताकि डूबने से बच जाएं। तो यहाँ ग्लास लगा है इसके अंदर, देखो ये देखो चिड़िया, क्या जिंदगी है इनकी भी, भयंकर, इससे बदतर जिंदगी नहीं देखी मैंने। मना कर रखा किराने से उनको, सुखना लेक पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी ये हिमाचल की पहाड़ियों के साथ। सामने आपकी हिमाचल की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, इधर देखिए जरा, ये बोटिंग करने आ रखे हैं हम। इधर सुखना लेक है पर बहुत भरा हुआ है पानी आजकल, अभी शायद रेस्टिकेट कर रखा उन्होंने बारिश की वजह से। बाकी हम गोल मार चुके आ चुके, वैसे छुट्टी तो नहीं थी आज हमारे पास, छुट्टी ले चुके हम, बाकी देखते हैं। तो ये देखिए चंडीगढ़ के नज़ारे, इधर सारे लोग घूमने आ चुके हैं। तो सुबह से बारिश लगी थी इसलिए हमको लेट हो गई आने में, वैसे आ चुके हैं हम इधर। और वो सामने देखिए सुंदर पहाड़ हैं हिमाचल के, पता नहीं जगह कौन सी है पर है बड़ी सुंदर। हाँ तो अभी हम जाएंगे गाइस बोटिंग करने के लिए, उसके लिए पहले टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं फिर चलते हैं। आज तुम्हारा भाई बोट चलाएगा इधर। अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए, यहाँ पे आओगे अगर बोटिंग नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा होना है। तो गाइस यहाँ है ये एंट्री गेट है सुखना लेक की, और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। और सुनने में आ रहा था कि इधर फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम घर से इसलिए पराठे टाइट करके आ चुके हैं पेट में, बाकी उत्थे फूड को न रहे। बेस्ट टिकट विकट लेके हम आ चुके हैं और अब बोटिंग की तरफ चलते हैं, भले रेस्ट्रिकेट है फिर भी हम जा रहे हैं। लाइफ जैकेट पहने जा रही है ताकि डूबने से बच जाएँ। बनानों ने पायलट, गर्मी हो रही गाइस, ऐसा लग रहा है उतारना चाहिए, उतारना मतलब ऐसे तो कर सकते हैं। हाँ ऐसे कर सकते हैं। उन्हें रस्म मनाता रहा, ये देखो उतरे नहीं कि उतारने लग गए। हम लेक के बीचों बीच में आ चुके हैं गाइस, थक हार के हम अब वापस आ रहे हैं, आधा घंटा होने वाला हमको। वैसे धूप लग रही है ना इसलिए थोड़ा बीमारी, रुमाल थकार के हम बैठ चुके हैं, आधा घंटा हो गया, धूप लग रही है इसलिए थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है बोट चलाने में। ये देखो सारे स्कूल स्टूडेंट और हम पूरे गीले हो चुके हैं, बाबा गर्मी भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। अब हम इसके बाद जाएंगे रॉक गार्डन, इसी तरह रॉक गार्डन जाके मिलते हैं आपको। तो सुखना लेक तो हम घूम चुके हैं, अब हमारा प्लान बन रहा है कि हम रॉक गार्डन की तरफ जाएंगे। अरे थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, देखो गर्मी से हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब टी शर्ट का कलर ही चेंज हो गया हमारा, तो लाइट से डार्क हो गया वो। तो हम जा रहे हैं बर्ड पार्क की तरफ, चंडीगढ़ का फेमस बर्ड पार्क, क्या मस्त लग रहा है सच्ची में, मजा आ गया भाई। इधर बर्ड्स के नेम भी लिखे हैं साइड। तो हम पहुंच चुके हैं बर्ड पार्क में, अब देखते हैं कितने प्रकार की चिड़ियाएं मिलती हैं हमें यहाँ। वैसे तो गाँव हमने बहुत सारी देखी थी पर देखते हैं इधर कुछ अलग देखने को मिला है। तो बाकी देखो शांत माहौल है। Thank you.
बर्ड गार्डन में एंटर कर चुके हैं और यहाँ की रोड चलने वाला रास्ता बिल्कुल लूइंट मार्ट रोड और बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मज़ा आ रहा है। पर चिड़िया दिख ही नहीं रही, हालांकि कहाँ गई रे। यहाँ के नौ ग्रह वाटिका जिसमें कि सारे ग्रह हैं। अहो पोई थे दिख गई, मैं चिड़िया दिख गई इधर मेरे को, तो बहुत बढ़िया चीज़ दिख गई। हम ग्रह देखने आए थे और ग्रह जैसे सुधरे हुए थे, हमें चिड़ियाँ दिखने लग गई। पहले पक्षी देखे हमने, ये मुर्गे मुर्गे कक्ष मोर, ये फीमेल ही तो है। ओ देखो देख, उनके घर भी बना रखे हैं इधर, सारे मिलजुल कर रहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ के हम और भी घने जंगलों में एंटर कर चुके हैं और इधर और भी घना होता जा रहा है जंगल, और पक्षियों की पहचाने की आवाज़ और ज़्यादा आ रही है। कुछ जंगली हैं, कुछ पालतू भी हैं। यहाँ पे है नक्षत्र वाटिका, इसमें सारे नक्षत्र हैं, जो भी 27 नक्षत्र हैं, तो हर एक नक्षत्र के नाम पर एक पौधा पेड़ लगाया गया है इधर। ये इसके अंदर ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस पक्षियों को देखने आए थे और पेड़ों को देख रहे हैं। यहाँ पक्षियाँ तो कहीं दिख नहीं रही हैं बट पेड़ ज़रूर दिख रहे हैं बहुत सारे। पार्क अब शुरू हो रहा है, हमने सोचा कि ख़त्म हो गया, हम तो शुरू तो अब हो रहा है। ये देखो अब शुरू हो रहा है यहाँ पार्क, हम सोचते हैं कि ख़त्म होने वाला, हम तो एग्जिट लेने वाले थे। मैं कह रहा हूँ चिड़ियाँ दिख ही नहीं रही हैं। ये देखो चिड़ियाँ अभी अंदर भी है। पहले पार्क में आ चुके हैं, ओहो यहाँ ग्लास लगा है इसके अंदर। देखो ये देखो चिड़िया, क्या जिंदगी है इनकी भी, भयंकर, इससे बदतर जिंदगी नहीं देखी मैंने। ये बर्ड है यहाँ पे, पढ़ लेना ये देखो। आप मिल गए हम लव बर्ड से, ये देखो लव बर्ड। तो लव बर्ड तो हैं पर ये हैं कहाँ, साथ में है कि नहीं है, ये दो दो वो दिख गए साथ में रहते हैं दो दो के जोड़े में, पर हमें कुछ कुछ सिंगल दिखाई दे रहे हैं। जब इतने पहुंच चुके हैं अब यहाँ पता नहीं क्या है, कुछ तो अलग है यहाँ पे, जालियों के अंदर कुछ तो है। क्या यहाँ चिंपैंजी फंसा है, भयंकर, वाओ ये क्या है। ये देखो जाली के अंदर किले लगे वाली, इसके बहन और बहने जा पोते नहीं, अच्छा ताकि चिड़िया अंदर ना जाएं। और ये देखो यहाँ पर पानी से पैर धुल के अंदर जाना ताकि गंदा ना हो। ओके नाइस नाइस, अच्छा यहाँ ओपन में रखी गई चिड़ियाओं को। और यहाँ पे है बतख, स्वान, वाइट स्वान है इधर। वाह मज़ा आ गया इधर, मज़ा आ गया भाई। पर अच्छा ये रहे, ये ताकि बाहर ना जा पाए इसी वजह से वहाँ पर जाली लगाई थी। और मज़े तो ही नीचे हैं भाई, निचले वाटर क्यों। और भाई क्या हाल है, काटने को मत आना भाई ये ऐसा लग रहा काटने को आएगा देखो भाई तैर के हाँ हाँ हंस है ये, हंस बता को अच्छा ना, जाओ भाई हंस तैर के बता जरा। मना कर रखा किराने से उनको, इसे और ज़्यादा अंदर घुस चुके हैं। इधर पता नहीं और क्या देखने को मिलेगा, घना घोर जंगल है और वाटरफॉल मिल गया गाइस हमें। पता नहीं कहाँ कौन सी पहाड़ से पानी आ रहा है बट वाटरफॉल मिल गया हमें, लिटरली चंडीगढ़ में वाटरफॉल जहाँ की पहाड़ी नहीं है ना, तो वाटरफॉल से ये देखो, ये है वाटरफॉल देख रहे हो कितना सुंदर वाटरफॉल है मेरे पीछे, पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है बट है वाटरफॉल। एक जगह फिर से पहुँच चुके हैं और इधर भी बतख की छोटी प्रजाति, हाँ देख कितने प्यारे तैर रहे। ये देखो सामने वाला वाटरफॉल। गाइस लेक वाली जर्नी तो हमारी समाप्त हो गई। ए मच्छर मच्छर भी दिखेगी, ए माछ बीच ना माछ,
ये देखो मछली, मछली भी है इधर साथ साथ में लो। और यहाँ देखो जाली, ये जाली इसलिए बनाई गई है ताकि जो चिड़ियाँ हैं वो बाहर ना जाएं और इसी के अंदर सेफ रहें। और जैसे हम जेल में आ गए हैं, हैं उठाओ फोन। सुंदर जगह आ गई, अब यहाँ पे हम फोटो खिंचाएंगे इस जगह। अब जा रहे हैं हम WWE के रिंग में जहाँ की बर्ड्स की फाइट हो रही है। अब जागरी लगी है, इधर बहुत शोर हो रहा है, जैसा लग रहा है जैसे कि लड़ाई हो रही होगी अंदर। दिखा दे तुम्हें भी लड़ाई, बट इससे पहले हमें ये कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा, ये जाली और नुमा द्वार से। ये देखो देखो कितना शोर हो रहा है, ये ऊपर देखो जरा कैसी व्यवस्था बना रखी इन लोगों ने। बस ये देखो कैसे हल्ला कर रहा है, इनका हल्ला हो रहा था, इनके बीच में लड़ाई भी खतरनाक होती है। देखो हल्ला करेगा अभी, भयंकर है भाई इधर। तो आगे चलते अब यहाँ से, यहाँ से खत्म हो गया ये तो शुरू होता ही खत्म हो गया है, इन्हीं का हल्ला हो रहा था इधर। बाकी अब चलते हैं बाहर की तरफ, आई थिंक ये इलाका ख़त्म हो गया, ये जंगल ख़त्म हो ही गया है। देखो ऐसे जगह से निकलते हैं हम, ये देखो देख रहे हो तुम, ये जंजीरों के बीच से निकलना पड़ता है हमें। तो गाइस बर्ड पार्क तो हम पूरा घूम चुके हैं और अब समय है वापस जाने का। अभी देखते हैं आगे कुछ मिलेगा तो ठीक है, वरना हम इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और बताना कैसा लगा आपको ये बर्ड पार्क। तो इन खूबसूरत सी वादियों के साथ हम इस ब्लॉग एंड यहीं पर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।